नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। प्रदेश में नई सरकार बन चुकी है और उस नई सरकार के मुखिया ने शपथ ले ली। पिछले दो महीने से आचार संहिता के चलते प्रदेश की भर्तियां लगभग थमी हुई थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनकी परीक्षा होना, तो वहीं युवा बेरोजगारों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दिसंबर में आई थी कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संघ है, उसके एक नया अध्यक्ष मिला है और वो अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ललित जी आपको। देखिए, महासंघ की अगर बात की जाए तो 11 साल तक उपेंद्र यादव के नेतृत्व में इस संघ ने युवाओं के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, किस रूप में देखते हैं, क्योंकि महासंघ एक बड़ा नाम है। ललित जी, ग्यारह महीने लगभग उपेंद्र यादव ने इस संगठन को चलाया है और करीबन 2.5 लाख प्लस लोगों को इसमें रोजगार मिला है। हमारे संगठन से बहुत मेहनत की है और जब उपेंद्र जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि मैं दिसंबर में इस संगठन को छोड़ दूँगा और नया अध्यक्ष आ जाएगा, तो जब पहली बार जब उपेंद्र जी ने इसकी जिसने घोषणा की थी अध्यक्ष की, तो मुझे भी नहीं पता था कि इस आने वाले जो संगठन, इतना बड़ा संगठन है जिसको 12 साल तक खून पसीने से उपेंद्र यादव ने सींचा था, लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिला के, उसकी कमान मुझे मिलेगी, उसका अध्यक्ष मुझे, पद मुझे मिलेगा। तो जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैं भी एक बार तो चौंक गया था कि यार, जो मेहनत उपेंद्र ने की थी तो शायद मैं वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये उपेंद्र जी की जो आशा थी, जो उनके विश्वास था मेरे ऊपर, जो संगठन के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो भी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उनका एक विश्वास था कि आप करोगे। तो जब पद ग्रहण किया उसके बाद में बड़ी चुनौती थी मेरे सामने करने के लिए, और मैं इस संघर्ष को, जो उपेंद्र जी ने जो 12 साल किया, मैं कोशिश करूँगा उस संघर्ष को आगे बढ़ाऊँ, और जो उन्होंने उस संगठन से जो लाखों लोगों को खुशियाँ मिली हैं, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि उन बेरोजगारों के लिए ऐसे ही ये संगठन लड़ता रहेगा जैसे 12 साल पहले लड़ा था, ऐसे ही आने वाले समय में भी बेरोजगारों संगठन, राजस्थान बेरोजगार संगठन युवाओं के लिए लड़ता रहेगा। अशोक जी, ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो शुरुआत में पार पानी हैं? देखिए, चुनाव से पहले भी उपेंद्र यादव ने लगभग एक दर्जन मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन उनमें से कई मांगे पूरी नहीं हुई थी जिनका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। आपके सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सबसे पहले आप समाधान कराना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि राजस्थान बेरोजगार महासंघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमने कांग्रेस में भी संघर्ष किया था और बीजेपी में संघर्ष किया था, अब फिर बीजेपी आ गई। हमें आशा है कि बीजेपी ने जिन मुद्दों पे, जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी, जब हम मुद्दे उठाए थे, तो बीजेपी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन मुद्दों को समाधान करेंगे। उसमें पहला, जैसे ही माननीय मुख्य भजनलाल जी ने जब शपथ ली, उसके बाद में उन्होंने पहला किया कि हम एक पेपर लीक के खिलाफ एक SIT गठित करेंगे, जो भी पेपर लीक माफिया उनको पकड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेरी जो प्रायोरिटी है, मैं उससे उस संबंध में मैं पहली बार अभी अध्यक्ष साहब से मिलकर भी आया था, चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से, आलोक जी से। तो जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं अभी तक, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, उनकी नियुक्तियां, सबसे पहले उनकी नियुक्तियां मिलें। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है L1 L2 का मुद्दा चल रहा है। L1 के अंदर भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है। अभी लास्ट टाइम मेरी मंडे को, मैं सोमवार को अध्यक्ष साहब से मिलकर आया था, तो उनसे मैंने निवेदन भी किया था कि कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को उठाए, अच्छा वकील पैरवी करवाओ आप, ताकि जो यथास्थिति का जो आदेश दिया था कोर्ट का, वो यथास्थिति का आदेश हटे और जो बेरोजगार बैठे हैं, जो पिछले काफ़ी दिनों से आस लगा के बैठे हैं, क्योंकि जैसे आचार संहिता हटी तो उसके बाद युवाओं के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया, फ़ोन आ रहे हैं, बड़े ही परेशान, वो इसलिए परेशान हो कि सर ऐसा नहीं हो कि नई सरकार बन गई, नई सरकार में आगे भर्ती रुक ना जाए। तो उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी, जो भी भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं, अभी यथास्थिति पड़ी हैं, जैसे L1 के लिए अभी 21 तारीख को कोर्ट में हेयरिंग है, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि AGWAG को उतार के इनके जो यथास्थिति कोर्ट से, उसको स्टे को हटाया जाए और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। L2 में भी मामला कोर्ट में, लेकिन उस पर कोई स्टे की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई स्टे का कोई आदेश नहीं है। लास्ट टाइम अध्यक्ष साहब से मिले, उन्होंने कहा था कि इस पर भी हमारे पास आदेश है, लेकिन लिखित में कोई आदेश हमारे पास, उनके पास भी मुझे लगता नहीं कोई है। फिर मैं 18-19 तारीख को फिर एक बार उनसे मिलूंगा कि जो L2 वाली कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो बची हुई प्रक्रिया L2 की है उसको किरे, और 21 तारीख को जो कोर्ट में हेयरिंग है L1 की, उसके लिए भी अच्छा वकील उतारे, AGWAG साहब को उतार के इसको ऐसे हटाए और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। उसके अलावा तमाम जो भर्तियां हैं, जैसे खेल कोटे वाले की मुद्दा था, एक L1 L2 के अंदर खेल कोटे का मुद्दा चल रहा था कि फेडरेशन को उन्होंने भेज रखा, लेटर नहीं भेजे थे, तो मैंने अध्यक्ष साहब से निवेदन किया था कि आप इनको एक बार फेडरेशन को आप लेटर भेजें, जो बच्चा सही है, जो अभ्यर्थी सही है, जिसका प्रमाण पत्र सही है, आप उसको नौकरी दो, जो फर्जी प्रमाण पत्र है उसको आप जेल में डालो, आप उसको डिबार्ड करो कि वो किसी को भी दे, लेकिन जो
नुकसान उसको हो रहा है जो सही है उसको नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा था अशोक जी, मैं खुद भी लेटर उन्होंने मंडे को जारी कर दिए थे, जितने फेडरेशन है उनको सबको जारी कर दिए थे, और उन्होंने खुद ने कहा कि मैं खुद भी पर्सनली हर एक फेडरेशन के अध्यक्ष से सचिव से बात करके जितने जल्दी हो सके इनका वेरिएशन मंगाऊंगा। और मैंने भी कहा था कि मेरी संगठन तरफ से भी हम एक लेटर इशू करेंगे उनको कि जो खेल कोटे वाले अभ्यर्थियों के हैं उनको फिर वेरिएशन होकर जल्दी है उनको भी नियुक्ति मिले। साथ में कुछ भर्तियाँ जो कोर्ट के आदेश एक वीडियो की भर्ती है वो कोर्ट में कोर्ट की वजह से अटकी पड़ी है। एक पशुधन सहायक की है जो कोर्ट का आदेश आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके थे, तो हमने उस दिन भी इनकी मांग रखी साहब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका था, तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन जारी की है कि हमने रिव्यू पिटीशन जारी की है। तो हमने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की थी साहब, जब रिव्यू पिटीशन कोर्ट का एक बार आदेश आ गया तो आप बार बार क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उन्होंने कहा नहीं हम एक बार रिव्यू पिटीशन जारी करेंगे, उसमें रिव्यू पिटीशन जारी हो चुकी है और हमारी कोशिश है कि जैसे उसकी डेट आएगी हम उस पिटीशन को वापस खारिज करवा के वापस बेरोजगार के हित में वो फैसला आए और पशुधन सहायक भर्ती के जो भी चयनित अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिले। साथ में वीडियो की भर्ती भी वेटिंग चल रही है वो भी कोर्ट के माध्यम से। सबसे बड़ी ललित जी मुद्दा ये है कि जो भर्तियां कोर्ट में जाके अट सकती हैं सबसे बड़ी दुविधा यही है। और मैं अभी जल्द ही मेरी कोशिश रहेगी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलके ये निवेदन करूंगा कि जो भर्तियां हो रही हैं वो कोर्ट में जाए क्यों रही हैं। आज इतने साल से हम स्टेट इतना पुराना इतना हम 2023 में बैठे हैं, 21वीं सदी में आ गए, हमारे पास अच्छे अच्छे पैनल हैं, अच्छे अच्छे अधिवक्ता आपके पास बैठे हैं, तो अब उस भर्ती का जब निकालते हो तो उससे पहले उसका सारा एक व्यू निकालो कि भर्ती किस कारण से कोर्ट में जा सकती है, ये जाएगी उसका क्या समाधान है, तो भर्ती जाए क्यों कोर्ट में, क्योंकि आप तो काफ़ी समय से इसको एजुकेशन को आप कवर कर रहे हो, बहुत से आपने बहुत अच्छी मांग उठाई बेरोजगारों की, बहुत से युवा आपसे आशा रहते हैं कि जब भी मैं भी कहीं जाता हूँ तो वो अभी भी गए थे हम तो अभी बार बार कहते हैं कि यार वैसे आप ललित जी से मिलेंगे ललित जी, क्योंकि अब आपसे आशा क्यों है, क्यों आप उनकी आवाज़ उठाते हो तो वो एक आशा होती है। तो हम चाहते हैं कि भर्तियां कोर्ट में जाए क्यों, वे जो भर्ती निकाल दी उसका समाधान पहले ही सारी चीज़ क्लियर हो। मैं कह रहा हूँ कि भर्ती 5 दिन लेट निकल जाए, विज्ञप्ति आप 5 दिन लेट जारी कर दो, लेकिन ऐसी जारी करो कि विज्ञप्ति निकल गई, जैसे बार बार हमारी शुरू से एक मांग थी कि आप उपेंद्र जी ने खूब मांग की है, मैं भी वही मांग दोहराता रहता था और मैं भी आज ही दोहरा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट एक कैलेंडर जारी करे कि इस डेट को विज्ञप्ति जारी हो रही है, इस डेट को फॉर्म भरे जाएंगे, इस डेट को फॉर्म क्लोज होंगे, इस डेट को एग्जाम होगी, इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, इस डेट को ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उसके लिए ना तो बेरोजगारों को दर दर भटकना पड़े, आज जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर कोटा उदयपुर कहाँ कहाँ से लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग बेचारे लोग चल के जयपुर आते हैं, इसीलिए सब ज्वाइनिंग कब होगी। अगर एक कैलेंडर जारी हो जाए तो उसमें मुद्दा खत्म हो जाएगा, किसी बेरोजगार आने से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना हमें भागदौड़ करने आ सकता है। मैं भी नहीं कह रहा कि लोग आए परेशान हो, एक सिस्टम ऐसा बन जाए डेवलप हो जाए कि ठीक है काम हो जाए कि भर्ती कैलेंडर जारी हो गया कि इस डेट को चीज़ें होंगी तो बेरोजगारों फिक्स हो गया इस डेट को अपना एग्जाम है वो अपनी तैयारी करे। साथ में RPSC का जो एक बड़ा मुद्दा है, RPSC का बहुत बड़े परेशान है बच्चे, RPSC का सिस्टम मतलब ऐसा हो गया कि पहले जैसे किसी भर्ती के लिए वो टाइम देते थे 3 महीने 6 महीने 8 महीने, अब उन्होंने कहा जैसे सरकार जाने वाली है, अब कि जैसे सरकार जाने वाली तो उन्होंने एक RS मेंस के बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनके भी काफ़ी फोन आने की साहब हमें तो 2 महीने का टाइम मिला। तो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको सरकार को एक बैठ के टीम गठित करके ऐसा करना चाहिए कि चीज़ें एक सेटल हो और बार बार बेरोजगारों को कहीं भटकना ना पड़े। बिल्कुल बेरोजगारों को भटकना है। देखिए विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हुई है और अब कुछ दिनों बाद ही लोकसभा की आचार संहिता यहाँ पर लग जाएगी। अशोक जी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कुछ भर्तियाँ हैं जो जनवरी से लेके अप्रैल तक पूरी होनी है, ऐसे में क्या नई सरकार को जल्द से जल्द कुछ भर्तियों पर विचार करना चाहिए कि लोकसभा की आचार संहिता से पहले ये भर्तियां जो विज्ञप्तियां हैं वो जारी हों? नहीं बिल्कुल, इसके लिए मैं अधीनस्थ बोर्ड में जब गया था तो मैंने आलोक जी से निवेदन किया था कि सर आपके पास जो भर्ती अभ्यर्थना आ चुकी है, तो उन्होंने कहा कि पशु परीक्षक की अभ्यर्थना मेरे पास आ चुकी है और हम जल्दी इसको 1 या 2 वीक में निकाल के जारी कर देंगे क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें कम्प्लीट हो चुकी हैं और हमें खाली विज्ञप्ति की तैयारी हम जल्दी कर देंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितनी विज्ञप्तियाँ जो जारी हो चुकी हैं, क्योंकि ललित जी दिक्कत क्या होती है, जैसे गहलोत सरकार थी कांग्रेस सरकार थी उन्होंने लास्ट बजट में 1 लाख भर्तियाँ घोषणा कर दी, फरवरी से फरवरी के एक साल के करीब होता है आगे, लेकिन वो भर्तियाँ धरातल पे पटल पे नहीं आ पाई क्योंकि उपेंद्र जी ने भी चुनाव के दौरान भी जब आचार संहिता लगी उसके दौरान उन्होंने खूब मेहनत की खूब भागदौड़ की। हमें चाहते हैं कि जो भर्तियाँ निकाल चुके हो, मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ, आप भर्तियाँ 2000 निकालो, आप भर्तियाँ 1000 निकालो, आप भर्तियाँ 50000 निकालो, कम से कम जितनी भर्तियां निकालते हो उसका रोड मैप तो आपके पास होना चाहिए।
जब ये भर्ती, अब जैसे 1 लाख भर्ती हैं, अब मुझे लगता नहीं कि वो सरकार कैसे पूरा करेगी। अब बीजेपी सरकार ने 2.5 लाख की घोषणा कर दी, लेकिन जो 1 लाख पेंडिंग भर्ती हैं उसका नतीजा क्या होगा? अब सबसे बड़ी दुविधा बेरोजगार करने से आप जो भर्तियां निकाल दी उसका क्या होगा? तो ये जो परंपराएं जो बनी हुई हैं कि जैसे सरकार जाते वक्त भर्तियां निकाल के चली जाती है, फिर नई सरकार आती है, फिर नई सरकार उसको मंथन लग जाती है कि निकाले नहीं निकाले, एक सरे का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे सरे का जो काम आता है कि यार सरे कौन लेगा? बेरोजगारों में भी ये स्थिति हो रही है, जैसे आज मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं सरे लो कल दूंगा दूसरा। बात मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, बेरोजगारों की समस्याओं का हल होना चाहिए, बात सरे का नहीं, यहाँ पे बात है रोजगार के मुद्दों का। सबसे बड़ी बात क्या आती है, बात ये कि हर एक रोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती गवर्नमेंट, ये मैं भी मानता हूँ और ये आप भी मानते हो बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जैसे हमने एक मांग उठाई थी, हमारे संगठन ने मांग उठाई थी कि जैसे अदर स्टेट में एक चीज हुई थी कि 75% जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है, जो इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर लोकल आदमियों को रोजगार मिले। तो आज मैं फिर ये मांग उठा रहा हूँ और मैं जब भी सीएम साहब मिलूंगा मांग उठाऊँ कि जो लोकल फैक्टर है उसके अंदर योग्य, ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान के युवा योग्य नहीं है कि बाहर से युवा योग्य है। तो आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि जो बाहर के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर एक नियम बन जाए। जैसे हमने मांग उठाई तो उसके तुरंत कुछ समय बाद में हरियाणा ने इसको लागू कर दिया, तो हमें बड़ी ऐसा लगा कि यार हरियाणा ही अच्छा है हमसे, तो जो हमारी मांग सुन के, मतलब हमने मांग राजस्थान उठाते हैं, हरियाणा वाला हमारे काम कर रहा है। तो राजस्थान सरकार को भी मांग करने चाहिए कि जो भी लोकल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर 75% मिले। उससे क्या होगा, बेरोजगारी दर कम होगी। साथ के अंदर इसके अंदर क्या है कि जो एक चीज जो है, जो बच्चों को बेरोजगारी भत्ता जो मिलता था उसके इंटर्नशिप वाला एक प्रोग्राम इन्होंने चला दिया 2-2 घंटे के लिए, वो एक बहुत बड़ा धंस है बेरोजगारों के लिए। आप भी समझते हो कि आदमी 2 घंटे रोजगार जाए दिल्ली जाएगा तो ना तो अपनी पढ़ाई कर पाएगा, उसको 2 घंटे जाने के लिए चाहिए, उसको 2 घंटे आने के लिए चाहिए, 2 घंटे में नौकरी करेगा भी, तो उसका सारा दिन उस 1500-2000 रुपए के लिए उसके सारे दिन खराब हो जाता है। तो हमें चाह रहे हैं कि जो ये जो परंपरा थी इसको खत्म किया जाए। आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो उसको बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से देते रहो, ताकि उससे क्या बेरोजगार अपनी तैयारी भी करेगा और उससे उसको लाभ भी होगा, उसको फालतू चीजें भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी समय बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल, देखो अशोक जी, एक सवाल, क्योंकि ये सवाल बहुत लंबे समय से आ रहा है, एक सीईटी वाला, सीईटी की जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, कहीं जिला स्तर पे मेरिट जारी हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है, सीईटी से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं वो बच्चों के हितों में नज़र नहीं आ रहे। नहीं ललित जी, इस मुद्दे के लिए भी आपके पास से आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और सीईटी में क्या किया, सीईटी में ऐसा हो जाए, अभी रिसेंटली एक भर्ती, अभी राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी हुई थी, राजस्थान पुलिस का भी फिजिकल आदेश जारी हो गए। अब युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब मेरे, जबकि होना ये चाहिए कि स्टेट लेवल पे निकलनी चाहिए। एक तरफ क्या है कि मेरे तो 140 नंबर आ रहे हैं, मेरा तो नंबर आ गया, आपके 200 नंबर हैं, आप बैठो, इसका मतलब ये है कि आप तो मेरे से मेहनती हो, आपने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए आपके 200 नंबर आ रहे हैं। तो ये सीटी वाला दंश ये हर बेरोजगारों को परेशान करने जा रहा है, क्योंकि हर भर्ती में ऐसे हो रहा है। अभी वन रक्षक वन पाल में भी ऐसे हुआ है कि 15 गुना लिस्ट निकालेंगे। अब बेरोजगार परेशान नहीं होगी, 15 गुना निकाली कैसे आपने? मेरे पास एक उदाहरण आया था, अभी मैं लास्ट टाइम कार्यालय बैठा था, तो एक बेरोजगार जनरल कैटेगरी का एक अभ्यर्थी आया था, उसने कहा सर देखो हमारे तो 13,800 कुछ फॉर्म भरे गए हैं, अगर उसकी 15 गुना अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15,000 से 16,000 फॉर्म होते हैं, जबकि भरे ही गए थे उसके क्या नाम, उसकी जो विज्ञप्ति, जो भर्ती, जो टोटल वैकेंसी है उसको उन्होंने 15 गुना का एक सेटअप तैयार किया था। लेकिन उस बच्चे के 148 नंबर थे, अगर उसमें बात करें तो 148 नंबर के, तो उसके नंबर क्योंकि लगभग 16,000 के आसपास बच्चे क्वालीफाई होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं 13,000 है, उस बच्चे का नंबर नहीं आया। तो ये क्लियर होना चाहिए मैटर कि भाई हमने, उन्होंने जो विज्ञप्ति था उसमें वर्गीकरण किया था, वर्ग वाइज वर्गीकरण किया था, भाई एससी कोटे के इतने, एसटी के इतने, तो मैं कह रहा हूं 40% से ऊपर जितने बच्चे हैं, 40% जितने ऊपर बच्चे हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि सीईटी हर साल होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो पा रही थी, तो सीईटी वाले भी परेशान इसलिए कि इसको एक वर्गीकरण, इसको तथ्यात्मक चीज रिपोर्ट जारी करें कि हमने ऐसे इस कैटेगरी से ऐसे वैकेंसी निकाली है। अब राजस्थान पुलिस वाले बेचारे परेशान हो रहे हैं कि भाई साहब वो बार बार कह, आप मिलो जाके। अब सबसे बड़ी बात है कि मिलें किससे, अब सरकार बनी है, अब उस पर मुद्दा उठाएंगे, मिलेंगे भी, क्या आप इसका क्लियरेंस जारी करो? मैं यही कहता हूँ, अब विज्ञप्ति जारी कर देते हो, अब उसकी सारी चीज़ें क्लियर जारी नहीं करते, फिर बेरोजगार भटकता फिरता रहता है, फिर हम बेरोजगार धक्के खाता रहता है, उसके जगह जगह चक्कर काटता है, कभी कभी क्या नाम है अधीनस्थ बोर्ड जाएगा, कभी बीकानेर जाएगा, कभी आरपीएससी जाएगा, कभी पुलिस क्वार्टर जाएगा, कभी सचिवालय जाएगा, और जवाब मिलता है कि हमारे पास तो डीओपी से आदेश आ गया। बिल्कुल, डीओपी से आदेश आ गए। एक ओबीसी वाला मुद्दा भी बड़ा इशू कर रहा है, एक्स सर्विस मैन के चलते बहुत ज़्यादा युवाओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, सही बात है, ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही ज़्यादा कुठारघात हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, और मैंने मुद्दा भी
आपने उठाया बहुत अच्छा मुद्दा है और मैं तो कह रहा हूँ आप उसको एक अच्छे लेवल पे उठाओ, क्योंकि अभी वन रक्षक और वनपाल दो भर्ती एक सेम पैटर्न पर निकली थी, सेम टाइम पे विज्ञप्ति सब कुछ सेम चीजें जारी हुई थी। एक भर्ती में उन्होंने नए नियम के हिसाब से निकाल दिया, एक भर्ती में उन्होंने पुराने नियम के हिसाब से निकाल दिया। वनपाल में 175 ओबीसी के पद थे, वन रक्षक में 175 पद थे ओबीसी के, 175 में उनको सिंगल पद नहीं मिला। जब मैं आलोक जी से इस मुद्दे पे मिला था तो मैंने कहा साहब ये तो बहुत अन्याय हो रहा है बेचारों के साथ। देखो हम क्या कहते हैं, हमारा संगठन है, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं है। किसी के साथ भी अन्याय हो, चाहे वो ST वर्ग, इसमें MBC के साथ भी गलत हुआ है, इसमें जनरल के साथ भी गलत हुआ है, इसमें OBC के साथ भी गलत हुआ है, और OBC के साथ तो काफ़ी समय से गलत होता आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें बार बार हो रही, क्यों हो रही है ऐसी कि एक आदेश निकाल दिया आपने, या तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की जो चीज़ें हैं ना, ब्यूरोक्रेसी इसको अटका रहा है कि आपने एक भर्ती के लिए आदेश निकाल दिया कि आप इसको इस हिसाब से करोगे, नियम से करोगे, एक को आप पूरे नियम से करोगे। जब सेम भर्ती निकली है, सेम पैटर्न में निकली है, तो आप उसको सेम पैटर्न पे करो ना, क्योंकि आप एक विशेष वर्ग के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो। क्योंकि इसका ओबीसी का बहुत बड़ा आंदोलन भी उठा था, मांग हुई थी कांग्रेस के विधायक, उस समय जो मंत्री थे विधायक, तो उन्होंने भी मांग की थी, तब सरकार ने इसको आदेश को पारित करके इसके अंदर जो मैं कह रहा हूँ एक्समैन को भी मिले, मैं नहीं कह रहा कि एक्समैन साथ गलत हो, उनको भी उनका जो 12.5% जो ये था कि किसी भी वर्ग में 12.5% को कोटा मिलता है एक्समैन को, अब 175 पर जो 12.5% उनका वैकेंसी उनको दो, फिर SC की जितनी वैकेंसी SC को दो, आप OBC के जितने उसको OBC को दो, ST के जितनी ST को दो, जनरल की है जनरल को दो, MBC के MBC, हर वर्ग को आप उसका हक दो, किसी का हक मत मारो, हमें कहना चाहिए हक मत मारो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक विशेष आप OBC के साथ भी गलत कर रहे हो कि नहीं साहब नया नियम आ गया, तो नियम भी जब आपके एक दो भर्ती आपके साथ सब कुछ सेम है तो आप उसको सेम करो ना, आप उसको अलग अलग क्यों कर रहे हो। लेकिन वही बात है कि साहब हमारे पास तो DOP का आदेश है, अब मेरी इसलिए मांग है कि मैं चारों की जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और कोशिश हमारी जल्द से जल्द मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मिलकर इन चीज़ों को मुद्दे को उठाएं। बात वो नहीं कि हम, मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसे स्मूथली हो जाएं कि ना तो बेरोजगारों को बेरोजगार संघ में रास्ते में महासंघ में आना पड़े, ना बेरोजगारों को किसी के नाम कि कहीं कार्यालय में भटकना पड़े, उनका काम है कि स्मूथली चलता रहे, होता रहे रोजगार। और आप जितने भी रोजगार दो, हमेशा से एक मांग करता हूँ, आप रोजगार कितने भी दो, आप 1000 पदों भर्ती निकालो, कम से कम पूरा करो। भर्ती 1000 निकाली, पता लगा उसमें 250 पद खाली रह गए, उस 250 पदों के लिए हम लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, पता लगा उस 250 में पर बड़ी मुश्किल से उसमें 50 पद दे देंगे, जबकि उस पद पड़े हैं, आपने 1000 पद निकाली है। अभी एक मेरे पास आया था कि अपना ये इसमें फायरमैन का 120 पद बाकी रह गए, अब बोर्ड में अभ्यर्थी गए तो उनको जवाब भी मिला कि हमारे तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भैया आपको अब मुद्दा, मेरी जो मांग थी वो यहाँ खड़ी हो गई, जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आपने 600 पदों पर क्यों निकाली? आप जो 85-90 बच्चे बच गए, 100-120 लगभग सीटें बच गई, तो उन 120 बच्चों ने क्या किया, गुना कर दिया। वो 120 बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस आशा से बैठे कि हमारा नंबर आ गया, लेकिन आपने एक झटके में कह दिया हमारे पास पद नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट इतने बच्चों की थी हमने तो ले लिया। फिर जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं था, आपने 600 पदों क्यों निकाली? आप 120 पद कम करके निकाल देते। यही चीज़ें प्रयोगशाला सहायक में लाइब्रेरी में चल रही हैं, उसमें भी 80-85 पद बच्चे 95 पद साहब रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने पद क्यों निकाले? जब आपके पास पद ही नहीं है आप रिक्वायरमेंट डाल देते हो, काम वो करो ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, कहीं ये ब्यूरोक्रेसी को बहुत, ये ब्यूरोक्रेसी का जो चीज़ें ना, मैं हमेशा टारगेट, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है ब्यूरोक्रेसी से काम, लेकिन कुछ जो ब्यूरोक्रेसी जो चीज़ें कर रही हैं, जो बार बार लटकाने काम कर रही हैं, उन चीज़ों से हम दुखी हैं, हम चाह रहे हैं वो दुखी परेशान मत करो। बिल्कुल, राजस्थान के करीब 25 लाख युवा बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। भर्तियां निकलती हैं तो समय पे पूरी नहीं होती है, यदि समय पे पूरी होती हैं तो वह कोर्ट कचहरी के झंझट है उसमें पड़ जाती है, तो कई भर्तियां ऐसी हैं जो सालों से अभी भी पूरा होने का इंतज़ार कर रही है। ऐसे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नए अध्यक्ष अशोक चौधरी के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सरकार नई बन चुकी है तो वहीं अब जो एक दर्जन मांगे जो इनको विरासत में मिली हैं उनको तो पूरा करवाना ही है, साथ ही आने वाले समय में युवा बेरोजगारों की अन्य समस्याओं का जो निराकरण है वह भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।